कल ही हमने एक खबर चलाई थी कि किस तरीके से बक्सर में बिहार पुलिस लोगों से अवैध वसूली कर रही है, खास करके वैसे गाड़ियों से जो गाड़ी मवेशी ढोते हैं उनसे वसूली की जाती है। और ऐसा ही वीडियो हमारे एक हाथ लगा था, उसके बाद हमने खबर चलाई थी। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई है। बक्सर के आला अधिकारी SP ने इस पर कार्रवाई करते हुए उन तमाम लोगों को जो लोग इस अवैध वसूली में शामिल है उन पर कार्रवाई की है। उन सभी पर FIR किया गया है, कहा जा रहा है कि वो सभी सस्पेंड भी हो गए हैं। तो इस तरीके से कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात का सुकून है कि लोग अगर अवैध वसूली करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। इस मामले को लेकर के बक्सर SP ने संज्ञान लिया है और बक्सर DSP को आदेश दिया है कि इस मामले की जांच की जाए। फिलहाल बक्सर DSP ने भी इस मामले को जांच किया है, इस मामले का सत्यता पाया है और कहा है कि हमने जांच करके इसका रिपोर्ट हमने आगे अनुशंसा कर दिया। हम लोग की भी संज्ञान में आया है आप लोगों के माध्यम से। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसकी जांच मेरे द्वारा की गई है और जांच करके इसमें हम मेरे द्वारा एक प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी महोदय को समर्पित की जाएगी, उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। किस थाने के सर वो गश्ती गाड़ी है? इसमें ये नगर थाना से संबंधित है मामला और इसमें जो विस्तृत जांच है, विस्तृत जांच रिपोर्ट मैंने SP साहब को अभी समर्पित कर देने। हालांकि जिस तरीके से यह कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के आ जाने के बाद सुशासन है, ईमानदारी है, लेकिन इसका पोल तब खुल जाता है जब पुलिस सरेआम पैसा लेना शुरू कर देती है। चाहे पैसा मवेशी गाड़ियों से लिया जाए, चाहे वो पैसा खनन माफियाओं से लिया जाए, लेकिन जैसे ही पुलिस का घूस लेने का मामला सामने आता है तो फिलहाल विपक्षी खेमा भी आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये नगर थाना है और कहा जा रहा है कि नगर थाना की वो गश्ती की गाड़ी थी जो कल शाम किसी एरिया के क्षेत्र में थोड़ा पुल पर मवेशी की गाड़ी से वसूली कर रही थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी आती है जो मवेशी की गाड़ी है और उसके ठीक बगल में बिहार पुलिस की गाड़ी लगती है जिसे गश्ती की गाड़ी बताई जा रही है और मवेशी की गाड़ी से पैसा दिया जाता है पुलिस को, पुलिस वाले लोग पैसा लेते हैं और खुलेआम इस तरीके से घुस लेने का काम बक्सर में चल रहा है। पहले तो यह कहा गया कि इस मामले में केवल ड्राइवर और 2 होमगार्ड के जवान ही दोषी है, लेकिन बाद में मामला साफ हुआ कि उसमें एक महिला अधिकारी भी बैठी थी, उसका भी नाम FIR में शामिल किया गया। फिलहाल उस महिला अधिकारी सहित 2 होमगार्ड के जवान और ड्राइवर के ऊपर FIR की गई है और ड्राइवर के ऊपर FIR की गई है, उन पर कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं से एक संदेश गया है कि अगर बिहार पुलिस या फिर किसी विभाग में अगर कोई अवैध वसूली करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। मैं बक्सर से विमल कुमार।